संभल में 2 वर्ष के मासूम का अपहरण कर हत्या की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। 2 साल के मासूम के लिए अपहरण और हत्या की कोशिश की सनसनीखेज घटना जनपद संभल के थाना धनारी के गांव कनुआ नगला की है, जहां माँ बाप के बीच सो रहे 2 साल के बच्चे को गाँव का ही शख्स रंजिशन उठाकर लेकर भाग गया। आनन फानन में शोर के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बच्चे को छुड़ाया। आरोप है कि आरोपी ने इस दौरान गर्दन को चाकू से काटने की कोशिश की। रंजिशन हत्या के लिए अपहरण के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी यमुना प्रसाद ने भी बच्चे की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। सर, धनाई थाना क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण करके उसका हत्या प्रयास किया गया, क्या पूरा मामला? सर, ग्राम कनुआ नगला जो धनारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे एक व्यक्ति राजेंद्र नाम का था, जो ओंकार के घर में 2 वर्ष के सोते हुए बच्चे को रात में उठा ले गया और उसके बाद ले जाके खेत में उसकी हत्या करना चाहता था। इसी में जांच हो गई, पुलिस को लोगों ने सूचना दी और ग्रामीणों ने भी घेराबंदी की। सभी ने मिल करके इसको पकड़ा और ये अपराधी जो राजेंद्र है ये पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। मतलब उसके साथ कोई घटना नहीं होने पाई, जबकि ये तैयारी में था उसकी किसी तरीके से हत्या कर देना, क्योंकि इसका पूर्व में ही 2 साल पहले ही आपसी विवाद चल रहा था उस परिवार से और इसमें था कि इसको प्लानिंग करके अपहरण का रूप दे करके इसको हत्या कर देगा, लेकिन सकुशल बच्चे को बरामद किया गया है और इसको परिवार के हवाले किया गया है। इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है।